हेलो गाइस, मेरा नाम है निशा और आज मैं आप लोग से बात करने वाली हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कह सकते हैं हर पेरेंट्स को उनकी पेरेंटिंग जर्नी में अफेक्ट करती ही करती है, जो कि है इंसेक्ट बाइटिंग। बच्चों को इंसेक्ट बाइटिंग बहुत ही इजीली हो ही जाता है जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं, या फिर कह सकते हैं वो एक टोटलर कंडीशन में जैसे ही स्टार्ट होते हैं वैसे ही ये प्रॉब्लम आना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। सो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में जिससे अगर आपके बच्चे को इंसेक्ट बाइटिंग अगर हुआ है और वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा इंजीरियस नहीं है, इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो आप अपने बच्चों को तुरंत के तुरंत उसे ठीक कर सकते हैं और उसे कैसे सूथ कर सकते हो और उसे कैसे आराम दिला सकते हैं। ओके, जो सो फिर शुरू करते हैं। जो मेरा फर्स्ट होम रेमेडी रहेगा वो ये तीन होम रेमेडी मैं बताने वाली हूँ चींटियों के काटने पे, मतलब अगर एंट बाइट हो जाए तो आप अपने बच्चों को कैसे तुरंत के तुरंत ठीक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा विनेगर। दोस्तों, विनेगर जो है एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक माना जाता है, एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरिया का स्रोत माना जाता है। उसे आप जहाँ पे भी बच्चे को अगर चींटी ने काट लिया उस अफेक्टेड एरिया पे आप थोड़ा सा विनेगर डाल के और रख दे और बच्चे को तुरंत बहुत आसानी से राहत मिल जाएगी और उसे स्वेलिंग भी नहीं होगी। दूसरा आप कर सकते यस, तो टी बैग्स में एंटी इंफ्लामेटरी सेक्शंस होते हैं जिससे आप अपने बच्चे को तुरंत के तुरंत राहत दिला सकते हैं फ्रॉम एंट बाइट। ओके, उसे स्वेलिंग और ईचिंग का प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाता है। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं जो कि बहुत ही इजी टेक्निक है कह सकते हैं और ये हर घर में अवेलेबल होती ही होती है, जो है सॉल्ट। सॉल्ट अप्लाई करना बच्चे के जहाँ पे भी उसे चींटी ने काट लिया है उस एरिए पे आप थोड़ा सा पानी में सॉल्ट का मिला के थोड़ा पेस्ट जैसा बना के और अफेक्टेड एरिया पे लगा दीजिए, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से असरदार तरीके से राहत हो सकती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें, मैंने भी यही यूज़ किया था और अब मेरे बच्चे को बहुत जल्दी राहत हो गई थी फ्रॉम एंट बाइट। ओके, दूसरा कॉज होता है बी स्टिंग्स। बी स्टिंग्स मतलब मधुमक्खी का डंक मारना या फिर मधुमक्खी का काटना। मधुमक्खी का काटना दोस्तों एक बहुत ही पेनफुल साइकिल है जिसमें बच्चों को शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते भी इतना रो देते हैं वो लोग कि हमें खुद अच्छा नहीं लगता जब हमारे बच्चे इतना ज़्यादा पेन सहन करते हैं या फिर रोते हैं। तो सो उसके लिए सबसे पहले आप कर सकते हैं एक चीज़ कि आप अपने बच्चे के जहाँ पे भी आपके बच्चे को मधुमक्खी ने काट लिया उस जगह पे क्रस्ड आइस या तो बांध दीजिए कॉटन से या तो फिर आप अपने बच्चे को क्रस्ड आइस जो है वो रख दीजिए थोड़ी देर के लिए उसके अफेक्टेड एरिया पे, उसे बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी और जो पेन होता है ना आइस पेन को ऑब्जर्व कर लेगा तो उसे काफ़ी आराम हो जाएगा। दूसरा आप कर सकते हैं अप्लाई क्रश्ड गार्लिक। गार्लिक जो है उसे दो क्लॉव्स लेना है, सिर्फ गार्लिक के दो कह सकते कलियां लेनी है और उसे क्रश करके जो उसका पेस्ट बन जाएगा थोड़ा सा उसको अफेक्टेड एरिया पे ऐसे लगा के और थोड़ी देर ऐसे दबा के रखना है, तो उससे क्या होगा वो उसका जो जूस है वो अंदर उसके जाएगा तो वो उसे बहुत जल्दी राहत कर देगा और पेन से भी बचा देगा, स्वेलिंग भी नहीं होगी बच्चे के उस अफेक्टेड एरिया पे अगर मधुमक्खी ने काट लिया है तो। दूसरा आप कर सकते हैं यूज़ लेवेंडर ऑयल। अगर आपके घर में अवेलेबल है लेवेंडर ऑयल तो आप 2 से 3 ड्रॉप उसके लेवेंडर के अपने बच्चे के शरीर पर डाल सकते हैं और उसे तुरंत के तुरंत राहत हो जाएगी। बाकी अगर नहीं है तो आप ऊपर के 2 चीज़ें कर सकते हैं जो नॉर्मली घर में अवेलेबल होती ही होती हैं। तीसरा एक पर्टिकुलर एरिया है जिससे कह सकते हैं बच्चों को काटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है वो है, और वो बहुत कॉमन है बच्चों में, वो है मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जैसा कि आप सब जानते हैं बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, सो मॉस्किटो बाइटिंग
बहुत ही ज्यादा कॉमन है। उसके लिए एक तो बचने के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लोग गुड नाइट रखते हैं बच्चों के लिए, बेबीज का कह सकते हैं कि एक आता है जिससे आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं, ठीक है वो है, फिर मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं, कछुआ छाप लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर बच्चे को काट लिया तो ऐसा सब कुछ करने के बाद भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है, एक आधा मच्छर कहीं ना कहीं से आगे अपने आपके बेबी को काट ही लेता है। सो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है हमको भी, बट उसके लिए आप एक बहुत अच्छा होम रेमेडी कर सकते हैं। उसके लिए तीन ऐसी होम रेमेडीज हैं जो मैं बताऊंगी। अप्लाई कैलेमाइन लोशन, कैलेमाइन लोशन इजीली केमिस्ट के पास अवेलेबल होता है, आप उसे वो लगा सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चे को एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल अब दोस्तों आप मार्केट का भी लगा सकते हैं, और उससे अच्छा आपका जो घर पे एलोवेरा का प्लांट है उसके जो लीफ को तोड़ के उसका मतलब तुरंत के तुरंत ताजा ताजा उसका जो एलोवेरा जेल होगा उसको तुरंत आप अपने बच्चे के अफेक्टेड एरिया पे लगा दीजिए, बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी उसे। दूसरा आप कर सकते हैं अप्लाई टूथपेस्ट। टूथपेस्ट दोस्तों हर घर में होता ही होता है, सो आप अपने बच्चे को अगर हो सके तो नीम का टूथपेस्ट जो है वो आप अपने बच्चे को लगाएं, उससे बहुत ज्यादा राहत हो जाएगी आपके बच्चे को। और कोई भी टूथपेस्ट आप अपने बच्चे के अफेक्टेड एरिया पे लगा दें, उसे ईचिंग से बहुत और स्वेलिंग से बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। और दूसरा है वास्प स्टिंग दोस्तों, यानी कि ततैया का काटना। अब आप लोगों को अगर किसी कभी ततैया ने काटा हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि ततैया कितना तेज काटती है। अगर बच्चे को उसने काट लिया तब तो फिर खत्म हो गया, बहुत ही पेनफुल साइकिल होता है वो जब बच्चे को ततैया काट लेती है। सो उसके लिए आप कर सकते हैं एक बहुत खास चीज़ें, जैसे कि आप अपने जो ततैया है उसको बच्चों को बचा कैसे सकते हैं। ततैया से बचाने के लिए आप अपने बच्चों को जो शुगर कोटेड चीज़ें हैं उनसे दूर रख सकते हैं। सबसे पहला ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी शुगर कोटेड चीज़ें जैसे कैंस वगैरह हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और सबसे ज़्यादा उसी पर जाके बैठती है। सो अगर बच्चा वो पॉसिबिलिटी अगर बच्चा उसको पकड़े और पीने जाए तो बच्चे को वो डंक मार सकती है। सो आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं ये करके कि आप अपने बच्चे को उससे थोड़ा दूर रखें। मगर अगर तो भी काट लिया है, उसने डंक मार दिया अपने आपके बच्चे को, तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि बेजी लीव्स जो है उसका कुछ नहीं करना है, उसको थोड़े थोड़े टुकड़े कर देने हैं, क्रस्ट तरफ क्रश करना है उसका, और उसको जो आपका बच्चे का जो भी जिस जगह पे काटा है उस एरिया पे ऐसे रख के और उसका मतलब रख के और एक कॉटन से बांध के थोड़ी देर तक आधे घंटे तक छोड़ देना है, तो आपके बच्चे को काफी राहत मिल जाएगी, क्योंकि वो उसके जो अंदर के जितनी भी पेन है उसको खींच लेता है अपने अंदर और उससे बहुत जल्दी राहत हो जाएगी। दूसरा है अप्लाई साइड एप्पल साइड विनेगर। एप्पल साइड विनेगर दोस्तों एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। बच्चों को अगर ये जो अगर ततैया काट ले तो जो उसका जहर है उसको चूसने के लिए बहुत जल्दी इफेक्ट कर देता है एप्पल साइड विनेगर। सो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता ही है। दूसरा आप एक बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं जो नॉर्मली घर में, मैं ऐसी चीजें लास्ट में जरूर बता रही हूँ जो नॉर्मली आपके घर में होती ही होती हैं। सो ये जो लास्ट है वो ये है, आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। दोस्तों बेकिंग सोडा हर घर में अवेलेबल होता है तो आप बेकिंग सोडा के कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेके उसके उसमें कुछ ड्रॉप्स पानी की मिला के और आप अपने बच्चे को उसके अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं, जिससे उसे बहुत ज़्यादा तुरंत के तुरंत राहत हो जाएगी। दोस्तों मेरा जो लास्ट में जितने भी मैंने बताए सारे कह सकते हैं कि जितने भी जो मैंने होम रेमेडीज बताए हैं, जो लास्ट में बताए हैं, वो चारों के चारों हर घर में इजीली अवेलेबल होते ही होते हैं। ये थे कुछ होम रेमेडीज जो अगर आपके बच्चों को कुछ कीड़े काट लेते हैं तो आप उन्हें कैसे जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों मेरी जितने भी वीडियोस हैं मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो मैंने फेस कर रखी हैं, जो मुझे
जिन प्रॉब्लम्स ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था। सो अगर आपको ज़रा भी मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।